अभी हम आए हैं मस्जिद अल गमामा। कल शाम को भी आए थे लेकिन अभी मैं आई हूँ अक्रमा के साथ। कल तो मैं ऐसी आ गई थी। और ये देखिए सिटी राइड जिससे कि हम लोग उस दिन घूमे थे पूरा। ये देखें, ये बाहर से ऐसी होती है। और हमारा होटल पुल मैन जमजम। और ये इधर ये देखें सारा, यहाँ पे भी कबूतर ही कबूतर हैं, बहुत ज़्यादा कबूतर हैं यहाँ पर। और अक्रमा ने आज पहना है ब्लू कलर का पठानी सूट, पठानी जोड़ा, हाँ शलवार कमीज पहनी है। तो यहाँ पर ये है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक जिसमें अक्रमा चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। इसमें निसा को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ एक ही हॉल था और जो है इसमें सिर्फ मर्द हजरात ही जाकर नमाज अदा कर सकते थे। मस्जिद अल गमामा के अंदर निसा का अलग सेक्शन बना हुआ था और मर्द हजरात का अलग बना हुआ था। तो हमने वहाँ पर अक्रमा ने अलग पढ़ ली थी और हमने कल शाम में भी पढ़ ली थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली थी, अल्लाह ने हमें नसीब करा। और यहाँ पर यह अक्रमा मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में थे। तो जो है अल्लाह ताला सारी नमाज़ों को, जो भी टूटी फूटी इबादतें हैं उनको अल्लाह कबूल करे। ये बहुत पुरानी सब मस्जिदें हैं। यहाँ पर ये अबू बकर सिद्दीक जो है उनका घर हुआ करता था और अब इसको इन लोगों ने यहाँ पर मस्जिद बना दिया है। तो ये मस्जिद नबवी के बिल्कुल पास हैं ये जगह। जो मस्जिद हैं, काफ़ी मस्जिद हैं यहाँ पर, जैसे हज़रत अली की है, मस्जिद अल गमामा है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है। और तो ये मस्जिद जो है ये सब बिल्कुल पास पास हैं सारी। तो जो भी यहाँ मस्जिद नबवी में आता है वो ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी आके सोचता है कि यहाँ भी अल्लाह ताला हम नमाज़ पढ़ लें और नमाज़ अल्लाह ताला पढ़ने का हमें। ये हज़रत अली मॉस्क, लेकिन इन्होंने शायद बंद करा हुआ है तो इसलिए वहाँ पे नहीं जा रहे। तो ये सफ़ेद मस्जिद मस्जिद हज़रत अली है लेकिन ये बंद है, यहाँ बैरिकेड्स लगे थे तो हम वहाँ पर नहीं जा सके। हम और फिर हम आ गए थे इन प्यारे प्यारे खूबसूरत कबूतरों के पास। मस्जिद नबी के गेट नंबर 310 के बाहर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। जो ये रहा गेट, जिसके सामने ही अल सलाम म्यूज़ियम है, जो ये है इसका फ्रंट लेकिन साइड में है। और यहाँ पे ये अम्मा हैं इस वक्त कबूतरों के बीच में मौजूद हैं। और हम लोग इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं उसके ये बिल्कुल सामने है मस्जिद गमामा। ये सामने जो आपको दिख रही है मस्जिद, और वो छोटी सी मस्जिद जो दिख रही है आपको वो है मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और पीछे जो सफ़ेद रंग की दिख रही है वो है मस्जिद हज़रत अली। From Albania. 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 You are from Albania. Yeah. Manushasha. Yeah. Manushasha. Manushasha from Albania. Thank you. I am very happy. I know you. Okay. I am also very happy. No, I'm Indian. इंडिया से हूँ, मेरे साथ बीवी बच्चे हैं, हमारे पैसे गिर गए, रसूल साहब ने थोड़ी मदद कर दी। ये कह रहे हैं इनके पैसे गिर गए हैं। वी आर सिस्टर्स। आपके लिए बेटा दवा करूँगा, कुछ कर सकती हैं आप? जी अभी एक मिनट, हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं। अल्लाह आपके बच्चों पे रहमत करे। तुम्हारी अम्मा की ना अब इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी हो गई हैं। ये है मनु शाशा फ्रॉम अल्बेनिया। Welcome in Albania, my sister Sima. Sima. Yes, Sima. Manu Shasha. Manu Shasha. ठीक है। My new friend. बस अल्लाह से दुआ है कि हमें और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला हमेशा इज्जत वालों में रखिएगा। You are beautiful. Thank you. Thank you so much. इंशाल्लाह। एक्चुअली बंदा सोचता है कि वो किसी की मदद कर रहा है जबकि अल्लाह ताला उसको चुनते हैं कि आप फलां की मदद करिए। इस पर एहसान जताने की जरूरत नहीं होती है।
कर दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी साहब थे वो हमने उनकी जो भी हमारी हैसियत थी उस हिसाब से मदद कर दी थी और अल्लाह ताला उस चीज़ को कबूल फरमाए। बुखारी हदीस नंबर 2591 में रसूलल्लाह की हदीस है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खर्च किया करो, गिन कर ना रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर देने लगे, और जमा करके ना रखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी जो हमें नेमतें देते हैं, ज़ाहिर सी बातें अल्लाह ताला ही देते हैं सारी नेमतें, बंदे की तो कोई औकात या हैसियत नहीं है किसी भी तरीके से, तो जो भी नेमतें हैं जमा करके रख लें और तुम्हें अता करने से रोक लें। तो ये बुखारी हदीस नंबर 2591 है। तो इसलिए जो है जो भी अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करिए, क्योंकि सिर्फ उस पैसे पर या किसी भी चीज़ पर सिर्फ आपका हक़ नहीं है, जो भी ज़रूरतमंद है उनका भी हक़ है। और अगर आप देखते हैं किसी को, सामने वाले को, कि किसी को ज़रूरत है तो आप उसकी ज़रूरतें पूरी करिए, वो भी ज़रूरतें आप पूरी नहीं कर रहे, अल्लाह ताला आपको ज़रिया बना रहे हैं सिर्फ। तो ये अल्लाह का आपके ऊपर एहसान है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है कि आप किसी की मदद करें। ठीक है, तो बस अल्लाह ताला हमें हमेशा देने वाला बनाए, कभी लेने वाला ना बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी देना था मुझे किसी को, फ्रूट्स काटने थे एक्चुअली मुझे। जी, ड्यूटी कब तक है आपकी? मेरा 10 बजे 11 बजे। आप इंडिया की हैं क्या? कहाँ की? कलकत्ता। अच्छा, कहाँ? पॉकेट। ओके, खड़े हुए इस वक्त मस्जिद नबी के बाहर, यहाँ पे मस्जिद कमामा ये जो दिख रही है पीछे, और भूख लग रही थी, रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं, तो कुछ खाना लेने के लिए आए हैं यहाँ पे, और देखते हैं अभी खाने के लिए। हमें पिज़्ज़ा हट तो हमने यहाँ पे देख लिया था, ये है पिज़्ज़ा हट पीछे। ये देखिए यहाँ पे खड़ी हुई है, हॉप ऑन हॉप ऑफ खड़ी हुई है। रौनक देखिए माशाल्लाह से। भाई आप कहाँ लेके जाते, कहाँ लेके जाते हो भाई? हैं? कुबा मॉस्क। यस, कुबा मॉस्क जाती है ये गाड़ी? कुबा मॉस्क, मस्जिद कुबा, शॉपिंग कुबा। शॉपिंग? यस। फ्री है ये? No, $10 तो हम दो लोग जाएंगे तो ये गाड़ी जाएगी? आना अभी चलेगी, आना जाना 20, आना जाना 20 रियाल, दो 2% का, 2% 20, 2% 20 आना जाना। No. $40 हो जाएगा। Yes. आप खड़े रहेंगे वहाँ? Yes. आना जाना 40 रियाल। अभी ले चलोगे? ओके। Okay. आते हैं अभी। अक्रमा, ये देखिए मस्जिद अल कमामा, यहाँ पर हम दिन में आए थे आज। ये देखिए KFC आ गए हम यहाँ पर, तो हम रात में ऐसे ही निकले थे, हमने कहा इधर का एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हर जगह हर चीज़ मिलती ही है। ये है KFC, यहाँ से आप जो है ये ऑर्डर करिए और यहाँ से ले लीजिए, ठीक है? ये पैसे दिखा देती हूँ मैं, ये जो 35 रियाल 29 रियाल 30 33 32 रियाल, ये है KFC का, ये है KFC का मेन्यू, 4, 6, 5, 7, 1, 2, 3 रियाल। 10 बज रहा है लेकिन यहाँ पर सोन गोल्ड ज्वेलरी जो है ना ये सब खुली हुई है। हाँ चले जाओ, देख लो, आ रही हूँ मैं। गोल्ड ज्वेलरी
समा दुबई फॉर गोल्ड ज्वेलरी, ये सब गोल्ड है, ये सचमुच का गोल्ड है भाई, ऐसा नहीं है ये। खुली हुई है सारी शॉप्स, खुली हुई है सब शॉप्स खुली है। अंदर इसमें डायमंड ज्वेलरी है, कहाँ कहाँ चले गए तुम। ये देखिए अबाया शॉप्स, थोब मिल रहे हैं, ड्रेसेस मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रात का 10 बज रहा है, सब कुछ खुला हुआ है यहाँ पर। और ये देखिए हमारी मस्जिद नबवी, और ये है अबू बकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उनकी मॉस्क है ये, और उसके पीछे जो थी वो अल गमामा मॉस्क थी। मिनी मार्केट है कहाँ, जो उधर है ना वो मिनी मार्केट है, रेस्टोरेंट नहीं है। यहाँ जो खाने की चीज़ें हैं फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं सारी खाने की। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये मस्जिद मैंने आपको बताया था ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा जो है अन्हा ताला उनकी मॉस्क है ये, और जो है ये इधर जो है ये मस्जिद अल गमामा है, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि जब यहाँ पर एक बार कहत पड़ गया था यानी सूखा पड़ गया था, बारिशें नहीं हो रही थी, तो तब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने इस मस्जिद में काफ़ी टाइम यहाँ पर दुआएं करी थी, और उसके बाद जो है ये हुआ था कि बादल आ गए थे, और बादल आ गए यहाँ पर और खूब बारिशें हुई, लेकिन एक बादल, एक जो बादल का टुकड़ा था वो हमारे नबी के ऊपर आ गया था, और जो है उससे वो उनके ऊपर बारिश नहीं आई थी, वो उससे बचे रहे थे। तो इसलिए गमामा का मतलब होता है बादल, इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल गमामा रखा हुआ है। और बहुत अच्छी है ये, इधर जो है मस्तूरात का है यानी कि लेडीज़ का है ये वाला, हमने इसमें नमाज भी पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये दर नज़र आ रहे हैं ना इस साइड, ये जेंट्स का हिस्सा है यहाँ पर, तो उसमें अभी तो ये बंद कर दिया है क्योंकि रात का 10 बज रहा है, तो इसलिए इसको बंद कर दिया है, बाकी ये फजर से खुल जाती है और नमाज़ पढ़ सकते हैं आप। इसमें भी अक्रमा ने नमाज़ पढ़ी थी, इसमें औरतों का अंदर जाना मना था क्योंकि, तो इसलिए अक्रमा चले गए थे और उन्होंने पढ़ ली थी नमाज़। और ये यहाँ पर शायद कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये लोग का टूर वगैरह आया हुआ है मुझे लगता है मलेशिया से या इंडोनेशिया से कहीं से, तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। विच कंट्री यू आर फ्रॉम, विच कंट्री, विच कंट्री, मलेशिया, नो, ओके। तो ये तुर्की से आए हुए हैं ये लोग, और तुर्की से आए हुए हैं ये लोग जो हैं, असल में यहाँ पर है मसला ये है कि लैंग्वेज का मसला बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग अरेबिक मोस्टली बोलते हैं, अपने सॉरी अपने मुल्क की जबान बोलते हैं वो। और ये देखिए रात में 10 बजे ये क्या कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, ये देखिए सारी शॉप्स खुली हुई हैं यहाँ पर, सब खुली हुई हैं शॉप्स। ऐसा लग रहा है क्या रात में, रात हो रही है यहाँ, कहीं नहीं लग रहा। और ये जो है यहाँ पे पुलिस की गाड़ी होती है जो हमेशा जगह जगह खड़ी हो मिलती है यहाँ पर, हालांकि बहुत ज़्यादा सेफ माहौल है, बहुत महफूज हैं औरतें यहाँ पर, बहुत महफूज हैं, इतना सा भी कुछ नहीं है, आराम से सब फिरती रहती हैं। ये देखिए अकेली, कोई भी इतना सा भी वो नहीं है, बड़ा मतलब अच्छा माहौल है बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बताई थी ये जो हिस्सा है ना ये वाला जेंट्स का है, ये भी इस टाइम बंद कर दिया है इन लोगों ने। और ये देखिए ये यहाँ की पुलिस है, ये बैठे हुए अंदर इसमें, ये बैठी हुई हूँ मैं इस टाइम, तो जो है क्योंकि लेट हो गया था तो इसलिए मैं आ गई थी ऐसे। ये मेहंदी का पेड़ है, ये मेहंदी का पेड़ है, ये जगह जगह लगे हुए मेहंदी के पेड़ यहाँ पर, तो ये खड़े हुए हैं अक्रमा यहाँ पर। और ये देखिए ले लिया,
KFC का 8 पीस फैमिली मील हमने पैक करा लिया है। ओके। साथ में हमको यहाँ पे उसके मिली है कोल्ड ड्रिंक की बड़ी वाली बॉटल। तो अभी अगर हम रात में कैन ना भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बॉटल है हमारे पास। तो ये देखिए मैं बता रही थी ना, मेहंदी के पेड़ जगह जगह हैं यहाँ पर और हवा तो बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। ये हम लाए थे रख के अपने साथ रुमाल, लेकिन इसकी हमें बिल्कुल जरूरत पड़ी नहीं यहाँ पे। मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, किस्म का मौसम है, खुशनुमा खूबसूरत मौसम हो रहा है, रौनक हो रही है यहाँ पे, लोग खा रहे हैं पी रहे हैं घूम रहे हैं और अपने वक्त को यहाँ पे अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। और ये सामने मिल रहे हैं डोनर्स, डोनर्स मिल रहे हैं। तो भाई अम्मा है ये सामने इस वक्त और चलते हैं, अभी चले भाई चले, चलिए ये यहाँ पर जो कि कोबा मॉस्क लेके जाती हैं आपको और आप जो है यहाँ से जा सकते हैं कोबा मॉस्क। और ये खड़ी हुई है देखिए पुलिस की गाड़ी, ये है। और जो कोबा मॉस्क का जो रास्ता है वो इधर से है ना, ये तो सामने है बिल्कुल यहाँ से। हाँ जो हरी दिख रही है वो है मस्जिद बिलाल। और उसी के सामने जो है वो है नीचे वाला। हाँ जो ज़ूम करके दिखाइए ज़रा। ये जो लाइट है इसमें आप देख रही हैं, ये गाड़ी जो जा रही है इसके आगे वो है कोबा स्ट्रीट। ये है कोबा स्ट्रीट। आ रहे हैं वहाँ से पिज्ज़ा हट से। ये जो पिज़्ज़ा हट है ये इलाफ अल तकवा होटल जो है ना उसके नीचे है एकदम से। तो ये है इलाफ अल तकवा होटल, हाँ मस्जिद गवामा स्क्वायर के ऊपर है। ऑर्डर हमने दे दिया है, ये हमारा ऑर्डर है पिज़्ज़ा हट से, ये हमने ऑर्डर दिया है, दो पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर करें। अभी आए नहीं पिज़्ज़ा? नहीं बहुत रश हुआ, इतना टाइम लग रहा है क्योंकि रात में भी लोगों के, मुझे लगा तुम लेकर ही आ रहे हो। इनका पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है, जो भी एक्स्ट्रा हमें विंग्स वगैरह देखने थे लेकिन वो नहीं है इनके यहाँ, सिर्फ पिज़्ज़ा अवेलेबल है। उसमें भी इस वक्त इनके पास कम बचे हैं, लार्ज साइज नहीं है, मीडियम ही है सिर्फ अवेलेबल, क्योंकि इतनी देर हो गई तो जबरदस्त तरीके से इनके यहाँ बिक्री हो रही है। तो हमने लिया है दो पिज़्ज़ा हमने लिए, एक हमने लिया है ग्रिल्ड चिकन और एक हमने लिया है हॉट बीफ। कितना टाइम लग जाएगा अभी? 15 से 20 मिनट तकरीबन। ये देखिए ये लिखा है उर्दू में पिज्जा, उधर इंग्लिश में लिखा है और ये अरेबिक में लिखा है, ये लिखा है। और हमारा होटल वहाँ है उस साइड, हो रहा हर जगह से देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और वो है म्यूजियम, एक म्यूजियम वो भी है। ये जा रही है, ये छोटी सी बिल्कुल ये बस नहीं है, ये मिनी वैन टाइप की है। हाँ ये देखिए ये जा रही है यहाँ से, ये देखिए ये रोड है जो हरम के नीचे से जा रही है और मस्जिद नबी के नीचे से ये रोड निकलती हुई जा रही है और अंडर पास है ये, अंडर पास मस्जिद नबी के नीचे से निकलती है ये रोड। ये रोड बनाई है उन लोगों ने अंडर पास, ऐसी जगह है यहाँ, मतलब ये यहाँ से निकली जैसे फिर ये इधर देखिए रोड और फिर नीचे वो निकलेगी उधर जाके। ये ऐसी जगह है यहाँ पे, हमें तो बहुत मजा आया अभी रात में, हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत जबरदस्त 10/10 किस्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बहुत ज़्यादा सुकून से गुजरा, हर दिन ही सुकून से गुजरता है यहाँ पर। और जो है बस अल्लाह ताला आगे भी सब हमेशा अच्छा रखे और आपको भी हमको भी हमारी इस उम्रा सीरीज़ में हमारे साथ रहिएगा। आप हमारी दुआओं में हैं और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे बच्चों को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।